उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती मेंस का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और एग्जाम जो है वो 28 अक्टूबर से है। तो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। तो आप जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के UPSC यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। और जैसे ही आप अगर यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया रिसेंट अपडेट और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है रिसेंट अपडेट पर। और जैसे आप रिसेंट अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 13/10/2021 यानी आज की डेट में यहाँ पे लिखा गया उत्तराखंड अधि सेवा शिक्षा प्रवक्ता समूह सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है और एक अलग से यहाँ पे साइट खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया है। तो एडमिट कार्ड आप तीन तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर दिया गया है लॉगिन विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तो उससे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर ईजी सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नाम, नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि एडमिट कार्ड किस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो सेंटर है वो सभी का यहाँ पर हरिद्वार ही है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ये एडमिट कार्ड है। और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जैसे पेपर की बात करें तो पेपर यहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक है। और देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का जो नाम है और कोड है वो परीक्षा भवन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार में है। और इसका कोड यहाँ पर जो दिया गया परीक्षा कोड वो 101 है और इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही एडमिट कार्ड के साथ आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है तो जिसमें उन्होंने जो आईडी लगाई, जिसने अगर आधार कार्ड लगाई होगी तो उसको आधार कार्ड लेके जाना है। अगर किसी ने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाई है तो वो वोटर आईडी कार्ड लगा लेके जाएँ। यानी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में जो यहाँ पर फोटो आईडी प्रूफ लगाई थी उसको आपको लेके जाना होगा। इसके साथ ही अगर किसी के एडमिट कार्ड में जैसे इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, अगर यहाँ पर अगर सिग्नेचर या फोटो नहीं आते तो उनको 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर फोटो लेके जाना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एग्जाम हॉल में 20 मिनट से पहले पहुँचना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेटों को एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए पॉकेट में, यहाँ पर दिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको अपनी पेन लेके जाना पड़ेगा। पेन जो है वो आपको ब्लू या फिर ब्लैक जो बॉल पॉइंट के पेन आते हैं वो आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, इसको आप ज़रूर देख लें। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम सभी का इस समय हरिद्वार सेंटर पर है।